वो हिंदी और इंग्लिश? सो टुडेज डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन. Yesterday, the news was highlighted, and that is Elon Musk, the owner of Tesla, became the richest man of the world. दुनिया के सबसे धनी लोगों में कल टेस्ला के मालिक एलन मस्क का नाम आ गया. $190 बिलियन इतने की संपत्ति उनकी है. ये सुनने के बाद व्यक्ति का रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर किसी दिन सुबह आप उठ के आपको पता चलता है कि आपके पास $190 बिलियन की संपत्ति है और आप सृष्टि के सबसे धनाढ्य लोगों में से सबसे ऊपर है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यस, क्योंकि रिएक्शन एलन मस्क ने ऑलरेडी दिया है, तो ये मेरा अपना स्वयं का नहीं है. क्या रिएक्शन हो सकता है? ओके, सो आपने ट्वीट थोड़ा सा पढ़ लिया है. यस, कोई और? बहुत ही प्यारा ट्वीट है, और कहीं ना कहीं भगवत गीता का सेकंड अध्याय, जो दूसरा अध्याय है, ये दोनों पैरेलल जाते हैं. इसीलिए कोट को मैं ले रहा हूँ. अभी 24 घंटे भी इस घटना को हुए नहीं हुआ है. एंड यस, एनीवन? पहला रिएक्शन था हाउ स्ट्रेंज. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस काम यहाँ पे पहुँचने के लिए कभी काम किया ही नहीं. मेरा काम था कुछ नया करते रहना. ही इज ओरिजिनली बॉर्न इन अफ्रीका एंड बिजनेसमैन बेस्ड इन अमेरिका. इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? व्यक्ति ने जन्म अफ्रीका में लिया और एक बिजनेस टाइकून के तौर पे इमर्ज अमेरिका में हुए, और उनको जाना इसके लिए जाता है कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से व्यक्ति कभी भी एक मिनट के लिए भी संकोच नहीं करता. इसके लिए जाना जाता ना टेस्ला को बाकी किसी काम के लिए नहीं जाना जाता. ही इज नोन फॉर कुछ नई चीज करने के लिए. जैसे जो रॉकेट अथवा मिसाइल्स यूजलेस हो जाती है, उनको मुझे दे दो, मैं उसका यूज़ करूँगा. जो हम लोग हमेशा कचरे में भंगार में डाल देते हैं, उसका उपयोग करके कैसे नई चीज़ क्रिएट की जाती है, इसके लिए टेस्ला को जाना जाता है. सो टेस्ला ने पहला रिएक्शन दिया हाउ स्ट्रेंज, मतलब इसके लिए तो मैंने कभी काम किया ही नहीं. उसके बाद दूसरा ट्वीट आया, दैट इज द लास्ट ट्वीट इस टॉपिक को लेकर के, एंड दैट इज, मैम क्या बोला था आपने? वेल, नाउ बैक टू वर्क. अपना लोग अगर मान लीजिए गलती से रिजल्ट आ गया अच्छा, 98% 99%, उसके बाद हम क्या करते हैं? लेट्स सेलिब्रेट. यहाँ रिवर्स केस है. 190 बिलियन डॉलर की एसेट होने के बाद आपको लगता है व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है? हाँ या ना? पर ये आदमी बोलता है वेल बैक टू वर्क. कर्म पे वापस जाते हैं, कर्म शुरू करते हैं. और आप जितने भी दुनिया के टाइकून्स देखेंगे, जो भी अपने जीवन में एक लेवल अचीव किया उन लोगों ने, उनमें से कोई भी व्यक्ति को आप जाकर के मिल लीजिए, वो व्यक्ति कभी भी आपको किसी सेलिब्रेशन, किसी भी एंजॉयमेंट, किसी भी तरह के अनवांटेड इस तरह के लाल पीले में नहीं पाया जाता है. मार्क जुकरबर्ग, सबने नाम सुना हुआ है, जिनके भरोसे बहुत बार हमारी सुबह और शाम दोनों होती है. फेसबुक, वो नहीं होते तो शायद हम लोग बुक पढ़ रहे होते, लेकिन उनके होने के नाते हम फेसबुक पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते. मार्क जुकरबर्ग के पास आपने कभी उनकी कोई भी फोटोग्राफ उठाइए, आपको उस बंदे के पास एक ग्रे कलर की टी शर्ट के अलावा दूसरा कोई कपड़े में आपको नहीं मिलेगा. किसी के पास कोई दूसरे कलर का फोटो हो तो बता दो. एक ही शेड में हमेशा उसका टी शर्ट होता है, एंड दैट इज ऑफ वाइट
ऑफ वाइट कलर, मतलब वो दुधिया कलर बोलते हैं ना, सो समवन आस्क्ड हिम कि आप हमेशा इसी तरह के टी शर्ट में क्यों रहते हैं। उसे बोला मेरे पास टोटल जो 28-30 टी शर्ट है वो यही है, एग्जैक्ट यही, एक ही ब्रांड की, एक ही कलर की, एक ही साइज की, एक ही शेप की, यही 28 टी शर्ट है। कौन कपड़ा सिलेक्शन में 10 सेकेंड बर्बाद करेगा? आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट माई टाइम आफ्टर सिलेक्शन ऑफ क्लोथ। कपड़े के सिलेक्शन के पीछे अपना समय बर्बाद कौन करेगा? ये जो सफल लोग होते हैं वो ऐसे अचानक नहीं हो जाते, एक एक माइक्रो सेकेंड कैसे बचाना है इसके ऊपर भी उनके पास प्लान है। एक एक माइक्रो सेकेंड कैसे बचाना है इसके ऊपर भी उनके पास प्लान है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि एक एक घंटा कैसे बर्बाद किया जाए इसकी प्लानिंग हम सुबह से ढूंढ रहे होते हैं, आज कैसे शाम के 6 बजाएंगे। तो अभी टेस्ट मैच चल रहा है तो 2-2.5 घंटे उसमें जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ऑफिस में जाएंगे, थोड़ा इधर उधर बातें करेंगे, करते करते शाम 5 बजते ही राइट एंड देन विल स्टार्ट मूव। यही कारण है कि चाहे अनचाहे हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रोथ से ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि हमारी जो टोटल मेहनत है वो मेहनत हमको उसके आगे ले जाने नहीं देती। तो भगवद गीता का जो अध्याय 2 है उसका श्लोक नंबर 31, स्वधर्मापि चावेक्ष न विकम्पित मर्हसि धर्म्यादि युद्रक्षेयो अन्यक्षत्रिस्य विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि कर्म, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध करना, और युद्ध करने से बड़ा तुम्हारा दूसरा कोई धर्म रहता नहीं है। यदि आप किसी और धर्म में इन्वॉल्व होते हो तो आपका काम नहीं है। बहुत ही क्लियर कट है, मेरा जो जॉब है मुझे उसी जॉब में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नर्सों में सफल होऊंगा। जब अमिताभ बच्चन ने ABCL बनाया था उनका काम था एक्टिंग करना, वो चले गए प्रोडक्शन में। शायद बॉलीवुड का सबसे बड़ा डिबेकल अगर किसी ने किया है तो अमिताभ बच्चन ने किया था। वापस वो कमबैक किया उन्होंने एक्टिंग पे और वापस आज की तारीख में टावरिंग पर्सनालिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम बहुत सारी जगह हाथ डाल देंगे तो हम सफल हो जाएंगे, और यही कारण है कि बहुत सारे बड़े बिजनेस भारत में बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि वो मल्टीपल जगहों पे हाथ डाल करके अपने आप को ऑक्यूपाई करते। उसी तरह से हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी यही रहता है कि हम मल्टीपल जगहों पर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ तो मैं फार्मेसी से ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ मैं कैसे एक अच्छा ऑरेटर बन जाऊँ। आप ऑरेटर बनिए कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जो मुख्य धर्म है वो है फार्मेसी पढ़ना। आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं तो आप इंजीनियरिंग के अलावा तो होता क्या, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते रहते हैं और वो लोग हमको दिन भर चित्र विचित्र डेटा हमारे दिमाग में डालते हैं, तुमने जो गमतू है करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। तो मुझे पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है तो मैं पारुल के बाहर पारुल पानी पूरी की लागी खोल दूँ और लोगों को अलग अलग टेस्ट के पानी पूरी खिलाऊँ। द पॉइंट इज आपने जो प्रोफेशन ऑप्ट किया है, चाहे आपने ऑप्ट किया है या आपके पास वही ऑप्शन था, एक बार आपने ऑप्ट कर लिया है तो यही आपके जीवन का सत्य है। AM नाइक, अनिल भाई मड़ी भाई नाइक, उन्होंने जब 1965 में LNT लार्सन एंड टुब्रो ज्वाइन किया तो वो पहले नॉन IITian थे जिन्होंने LNT ज्वाइन किया था। उनके पहले कोई भी नॉन IITian ने कभी LNT ज्वाइन नहीं किया, दे वर द फर्स्ट नॉन IITian। जब वो एंटर हुए IIT, मतलब देश की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और AM नाइक गुजरात के एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के गए थे, एक गांवड़े में पले बड़े थे। गुजराती उनको बहुत अच्छे से आती थी, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, और वो मुंबई में लार्सन एंड टुब्रो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कहते हैं AM नाइक कहते हैं जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लग गया कि यहाँ पे टिकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मैंने ढूंढा लगभग 20 दिन रात दिन में कंपनी में रहा, 20 दिन
डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट मैंने नौकरी की एलएनटी में, ये जानने के लिए कि कौन सा इंजीनियरिंग का सेक्शन है जहां पे आईआईटीएन ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, और मैंने उसमें अपनी स्ट्रेंथ डेवलप की। 1965 में एम नाइक ने एलएनटी ज्वाइन किया, 2016 कितने साल हुए, अराउंड 51 ईयर्स। 51 ईयर्स के इतिहास में एम नाइक के नाम पर आधे दिन की भी छुट्टी एलएनटी में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट इवन हाफ डे। अपने लड़के और लड़की की शादी भी उन्होंने शाम को 7 बजे के बाद ऑर्गेनाइज किया ताकि उनको हाफ डे ना लेना पड़े। और जब 2016 में एलएनटी ने फाइनल उनका देखा कि भी कितनी छुट्टियों का पेमेंट बाकी है, तो लगभग 31 करोड़ रुपीस उनका छुट्टियों का पेमेंट लेना बाकी था। एलएनटी ने उनको पेमेंट किया तो उन्होंने सारा वापस एलएनटी को डोनेट करके 1 रुपया रख लिया। उनके इस मेहनत के नाते जब हमको दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, भारत के सबसे महान पुरुष सरदार पटेल का जब बनाना हुआ, तो वो टास्क हमने एलएनटी को दिया, क्योंकि एलएनटी वाज लेड बाय एएम नाइक। आप किसी से समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्यक्ति ने 98 में लीड करना शुरू किया एंड 2016 में इस लेवल तक कंपनी को पहुँचाया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, भारत के सबसे बड़े महापुरुष, जिनके नाते अगर उत्तर प्रदेश से मुझे गुजरात आना है तो बिना पासपोर्ट के आने को मुझे मिल रहा है, ये सरदार पटेल के नाते। अगर अमित शाह जी बंगाल में जाके चुनाव प्रचार कर सकते बिना पासपोर्ट और वीजा के, तो इसलिए क्योंकि सरदार पटेल आकर के गए। तो उस महापुरुष की स्टैच्यू बनाने को अगर किसी को टास्क मिलता है तो वो एम नाइक को मिलता है। द पॉइंट इज, लगातार कर्म करना ही व्यक्ति की एकमात्र दायित्व है, और भगवद गीता अध्याय 2 सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात करता है, यहाँ कहीं पर भी फल की बात नहीं है। उनका कहना यह है फल इज अ बाई प्रोडक्ट, वो ये नहीं कहते हैं कि आप फल की चिंता मत करो, ये कहते हैं फल इज बाई प्रोडक्ट। कोई भी किसान जब खेती करता है तो ये सोच के कभी सीड्स नहीं डालता है कि कितने क्विंटल मुझे इसमें से उत्पन्न करना है, वो ये देखता है कि मुझे अभी जो जमीन है इसमें कितनी मेहनत करनी है, जमीन के ऊपर काम करता है, अपने मेहनत पे फोकस करता है, केयरिंग पे फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है कि खेत उसका ओपन स्काई के नीचे है, कल धूप भी बढ़ सकती है, कल बारिश भी हो सकती है, सूखा भी पड़ सकता है और बर्फ भी गिर सकता है। तो ये किसान के हाथ में नहीं है, किसान के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एफर्ट्स लगाना। 5 में से 1 फसल, जो लोग भी किसान के परिवार से हैं वो समझेंगे, दिल्ली वाले किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल किसानों की बात कर रहा हूँ, जो भी किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, 5 में से 1 फसल बर्बाद होती होती और होती। कोई किसान कभी भी ये नहीं कह सकता 5 के 5 फसल मैंने दुरुस्त काटी है, लेकिन फिर भी वो कभी एफर्ट्स बंद नहीं करता। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तथा अपने धर्म को देख कर भी तो भय करने योग्य नहीं है, यानी तुम्हारा धर्म क्या है, निर्भय होकर के युद्ध करना, निर्भय होकर के कर्म करना। ये इस चैप्टर में जो बहुत सारे लोगों को कई बार सुसाइड वाले जो फीलिंग्स बिल्ड होती हैं उसका भी जवाब है। बहुतों को लगता है कि एक बार हम इस शरीर को त्याग देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आप शरीर को त्याग कर रहे हो पर आत्मा तो आपका वही है जो यहाँ पर पीड़ा झेल रही है शरीर को लेकर के, बिना शरीर के झेलेगी, तो कम से कम शरीर के साथ आप उससे लड़ करके उसका सलूशन तो ढूंढ सकते हो। सिर्फ आत्मा हो जाओगे तो आप सलूशन ही नहीं ढूंढ सकते हो, फिर तो आप निस्सहाय हो। तो बेटर ये है कि अगर कोई समस्या जीवित रहते अगर है तो क्यों ना जीवित रहते लड़ लें और उसको ख़त्म करके फिर हम इस धरती से प्रस्थान करें, ताकि सिर्फ अगर आत्मा है तो उसकी समस्या हमको झेलनी ना पड़े। इसीलिए हमारे पूर्वज कभी आत्महत्या नहीं करते थे। आत्महत्या का कॉन्सेप्ट भारत में था ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। आत्महत्या और डिवोर्स ये दोनों भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। एक बार हम चल पड़े जिसके साथ उसी के साथ जीवन भर चलेंगे, ये हमारा निर्णय हुआ करता था, इसीलिए इसका हिंदी शब्द भी नहीं है, अगर मिले तो मुझे बताइएगा, राइट। डिवोर्स का हिंदी शब्द और संस्कृत में शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हम इसको आज भी स्वीकार नहीं करते, हम तो 7 जन्मों वाले लोग हैं,
राइट, अलग अलग प्राणियों के फॉर्म में हम मिलेंगे लेकिन हम मिलते रहेंगे। सो द कॉन्सेप्ट इज कि एज ए क्षत्रिय तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब कर्म हमको पता कैसे चलेगा? ये जनवरी मंथ चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, जनवरी ग्रीक गॉड जैनुस के नाम से जनवरी का नाम पड़ा है, JANUS, जैनुस। जैनुस के दो चेहरे हैं, जैसे ब्रह्मा के कितने सर हैं, चार वेद, तो चार, उसी तरह से जैनुस के दो हैं, एक इतिहास और एक भविष्य, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जो पास्ट है वो दाढ़ी वाला हमारे मोदी जी टाइप है, और जो फ्यूचर है वो हमारे योगी जी जैसा है, बिना दाढ़ी का फ्रेश। सो दो अलग अलग चेहरे हैं एक ही साथ में। तो जो पास्ट है, हर एक व्यक्ति जब वो कल की तारीख में चलता है तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेकर के चलता है, पास्ट और फ्यूचर दोनों को मिला करके चलता है। इसीलिए जब पति पत्नी जीवन जीते हैं तो ऐसा कहा जाता है गांव में कि पति भविष्य में जीता है और पत्नी इतिहास में जीता है। इसीलिए देखिएगा पत्नी बार बार याद दिलाएगी, तुमको याद है अपनी मैरिज एनिवर्सरी कब है, तो आधे टोटाल पतियों को यही याद करने में खुद निकल जाते हैं बाल, किसका जन्मदिन कब है, एनिवर्सरी कब है, उनका उनका बर्थडे कब है। तो इतिहास आपको याद है, यहाँ पर हम लोग मिले थे 2014 में, ऐसा यही मिले थे, बराबर से यही मिले थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद करना और रखना, ये कहीं ना कहीं फीमेल उनको अच्छा लगता है और उनको याद रहता भी है, मेल भविष्य में जीता है, राइट। ये जो जमीन दिख रही है ना, यहाँ पे भविष्य में अपनी मकान होगा, भविष्य में इतना बड़ा अपना मकान, ये पति बोलता मिलेगा आपको, भविष्य में इतनी लंबी अपने पास गाड़ी होगी, अपने पास इतना बैलेंस होगा, वो हमेशा फ्यूचर टेंस में बात करेगा। ये दोनों मिलके वर्तमान में साथ में जीते हैं। जिस दिन पति भी पास्ट में जीना शुरू कर दे और पत्नी भी पास्ट में जीना शुरू कर दे, समझ जाइए युद्ध के अलावा बाकी कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। एक को फ्यूचरिस्टिक और एक को इतिहास की मेमोरीज, इसीलिए एल्बम संभाल करके पत्नियां ही रखती हैं। पति लोगों की चले तो वो भी डस्टबिन में निकल जाए, राइट। सो लेट्स, तो जैनुस कहता है कि हर एक व्यक्ति जब सुबह उठता है तो कल तक के इतिहास, जितना भी उसने अच्छे कर्म किए हैं, उसको आज और बेहतर करने की कोशिश करना है, और कल तक जितने गलत काम किए हैं उसको कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर एफर्ट्स लगाना है। अधिकतर लोग दसवीं में जो 80-90% स्कोर करते हैं, बारहवीं में आते आते फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दसवीं तक की जो उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है उसको छोड़ देते हैं, और अचानक उनके अंदर अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना बिल्ड होती है, अब मुझे सब मालूम है। तो ना वो टीचर्स को सुनते हैं ना पेरेंट्स को सुनते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि उनको उनको पता है कि उनके क्लास के बहुत सारे 10th वाले टॉपर 12th में जो है 2-3 ट्रायल के बाद पास हुए थे। द पॉइंट इज, द मोमेंट आपने अपनी अच्छी प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन नहीं किया तो आप भविष्य में फंस जाएंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आज मैं जिस भी जगह पे हूँ, कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस मैंने कल तक की हैं, उन प्रैक्टिसेस को मैं कैसे और स्ट्रेंथन करूँ। यही एलन मस्क की पहचान है कि इसीलिए दुनिया के रिचेस्ट आदमी बन पाए, क्योंकि अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस को व्यक्ति कंटिन्यू कर रहा है। तो 190 बिलियन अर्न करने के बाद भी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, बैक टू वर्क, काम पे वापस जाना ही अच्छी प्रैक्टिस है। देयरफॉर एलन मस्क निरंतर बढ़ेंगे। मुझे याद है जब जामनगर के पास सिक्का में रिलायंस प्लांट जब बनने की शुरुआत हुई, राइट, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं सबको बुलाया गया था और मुकेश अंबानी उनको एड्रेस कर रहे थे। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना लगे मैं सिर्फ अमेरिकन की बात करूँ, मैं भारतीयों की भी बात करूँ। तो मुकेश अंबानी उस मीटिंग को लीड करने वाले थे। उनका पहला क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ पे लगभग कुछ 5,000 की 50,000 जितने जो दो लोहे को जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेल्डिंग, वेल्डर्स की जरूरत थी। अब जनरली एम्प्लॉयज का काम क्या होता है, 25 ऐसे कारण बताने का ताकि वो काम डीले किया जा सके। तो लोगों ने बताया कि इतने जो है वेल्डर्स इंडिया में नहीं है, नहीं हो सकता, इसमें हमको 3 साल 4 साल, उन्होंने कुछ अपना समय बताया।
अंदर मुकेश अंबानी ने एक लाइन बोला, मेरे पास समय नहीं है। भारत में अगर वेल्डर्स नहीं मिलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ, न्यूजीलैंड से मंगाओ, अफ्रीका से मंगाओ, यूरोप से मंगाओ, जहां से बुलाना लाओ, मुझे साल भर के अंदर पूरा काम खत्म चाहिए। मेरे पास एक ही चीज नहीं, वो क्या है? समय। मेरे पास बाकी सब है, मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, आप जो बोलो मैं सब कर सकता हूँ, मैं एक ही काम नहीं कर सकता, वो है इंतजार। दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस। आपको अगर सफल होना है तो आपको समय के ऊपर फाइट करनी है, न कि उसको न करने के 25 कारण ढूंढने के ऊपर। मैं आगे बढ़ता हूँ। यदृच्छा चोपपत्रं स्वर्ग द्वारं पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धं विदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान लोग, क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। सो सबको बुक दीजिएगा पीछे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक उनके पास प्रोफाइल नहीं होती, जॉब नहीं होता, तब तक वो दुनिया भर के लोगों को संपर्क करते रहते हैं कि मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, काम चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, नौकरी चाहिए। और मिलने के बाद देन दे स्टार्ट कर्सिंग, बॉस खराब है, ऑर्गेनाइजेशन खराब है, कलीग खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो। आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन, आपको छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्रोफाइल का कोई भी टास्क मिला है, इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं। अदरवाइज आप एक बार उस जगह छोड़ के देखिए कि उस जगह के लिए कितने एप्लीकेशन आने वाले हैं। एक बार उस जगह को आप छोड़ कर देखिए, आपको रिप्लेस करने के लिए कितने लोग अप्लाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप वहां पे हैं, आप भाग्यशाली। हे अर्जुन, तुम्हें ये युद्ध का मौका मिला है, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि इस मौके को पाना सबके जीवन में, सबके बस का नहीं है। अधिकतर लोग जिनका, खास करके बुध बहुत स्ट्रांग होता है, 5 नंबर, जिनका जन्म तारीख 5, 14, 23 इस तरह के होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी रिजाइन लेके घूमते रहते हैं, त्यागपत्र दे देंगे, राइट? तो त्यागपत्र देना सबसे आसान काम है, मुश्किल है टिके रहना, मुश्किल है टिके रहना। अधिकतर लोग, चाहे स्पार्टा की बात करिए, स्पार्टा 300, चाहे आप ऑटोमन एम्पायर की बात करिए, इन्होंने लगातार युद्ध किया है तब जा करके एक शिखर तक पहुंचे। महाराणा प्रताप की बात करिए, लगातार युद्ध किया है। आप छत्रपति शिवाजी की बात करिए, लगातार युद्ध किया है। मैंने पिछली बार आपको बताया था टाटा टोपे, लगातार युद्ध किया है। अचानक सफलता किसी को मिलती नहीं है। टाटा मोटर्स आपके सामने उदाहरण है, टाटा इंडिका के बाद अचानक कोलैप्स हो गया, सही है गलत? लेकिन लगातार नए प्रोडक्ट्स लाते रहे और फाइनली देखिए नेक्सन आ गया है। और नेक्सन, आप रोड पे निकलिए, लगभग हर छठी गाड़ी आपको नेक्सन दिख जाएगी। वापस उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर लगभग 10-15 साल पहले हुआ करते थे। तो आप लगातार लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, समस्याओं के बादल छटेंगे और आपके लिए आपका सलूशन आएगा। पर हमारी समस्या क्या है? फुल ऑफ नेगेटिविटी। तो मैं एक आपको कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक मैडम बड़ी परेशान रहती थी जीवन में। उनको लगता था कि उनके पति से उनके अच्छे संबंध नहीं हैं, उनके बच्चे उनको पसंद कम करते हैं, उनके जो कलीग्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, बॉस उनको अच्छा नहीं मिला है, अब मतलब पड़ोसी तो बहुत ही भद्दे हैं उनके, दुनिया में जो भी लोग हैं सब गलत हैं, वो अकेली एकमात्र सत्य हैं। और वो एक डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उनको पूरा सुनने के बाद उनके कुछ रिपोर्ट्स निकलवाता है, और रिपोर्ट्स निकलवाने के बाद बोलता है कि मैडम, बाकी सब तो ठीक है, पर 10वें दिन, आज से 10वें दिन आपका मृत्यु निश्चित है, 10वें दिन आप निपट लेंगी। मैडम के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने बोला, लेकिन मैं काम करता हूँ, मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, आप एक काम करिए, 8वें 9वें दिन आइए, अगर मेरे पास सलूशन आ गया होगा तो मैं बचा लूँगा, तब तक के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन मान के चलिए मैक्सिमम 9 डेज यू आर गोइंग टू सर्वाइव। लेडी वेंट, 8वें 9वें दिन आई, डॉक्टर ने पूछा, आप कैसे हैं? बोली, नहीं, मेरा पति मेरा बहुत अच्छा है और मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं,
मैंने अपने कलीग्स को भी बड़ा सोचा, मुझे लगा कि नहीं, मेरे कलीग्स भी मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं ही बात नहीं करती थी, मेरा बॉस भी बहुत केयरिंग है। देन शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो भी जगत में आसपास में लोग हैं सारे बहुत अच्छे हैं, समस्याएं अधिकतर मेरे अंदर ही थी। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। एंड डॉक्टर ने बोला कि मैडम कोई भी मेडिकल साइंस ये नहीं बता सकता कि आप कब मरने वाले हो, ये तो एक साइकोलॉजिकल गेम था। मैंने सिर्फ आपको रियलाइज कराना चाहा कि अगर आप ये महसूस कर लें कि आपके पास इतना ही समय बचा है तो सारी चीज़ें समेटना शुरू कर देंगे। जब हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम का टाइम टेबल लगता है उसके बाद कैलकुलेशन शुरू होता है, 5 दिवस, 6 पेपर, 600 पेज, उसके बाद पहला काम है 600 में से कितना बेकार है। तो ये 300 पेज नहीं भी पढ़े तो पास हो सकते, तो ये 350 पेज। अब इसको कैसे सिस्टमेटिक, सारी चाणक्य नीति और सारी विदुर नीति सब आ जाती है अंदर, कैसे तैयारी किया जाए ताकि अगले 5 दिन के अंदर 6 पेपर में 60% से ऊपर मारा जाए, ये हम सबको मालूम है। हमारी समस्या ये है कि हम इसका उपयोग नहीं करते। हम सबको मालूम, वी ऑल आर वेरी मच एक्सपर्ट टू डिजाइन अ पाथ टू गेट इनर पीस एंड सक्सेस पाथ, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज वी डोंट प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अगर इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे तो अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगला श्लोक है, अथ चेत्तमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर प्राप्त पाप को प्राप्त होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, पाप एक जो हम लोग डिवाइन जो डिजाइन है उसको भी कंसीडर करते हैं और हमारा जो सोशल नॉर्म्स है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए कि आप होशे होशे आपने टास्क ले लिया, राइट, आपने टास्क ले लिया और टास्क लेने के बाद आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप अपनी नज़रों में ही गिर जाएंगे, आप स्वयं का ही कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। जैसे आपने डिजाइन किया अपने लिए कि इस बार तो मैं 90% स्कोर करूंगा, मुझे तो हर रोज इतनी मेहनत करनी है। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि लगभग साल भर पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा बिल्कुल, वैसे भी मुझे कम ही आता था। तो आदमी जो सबसे स्ट्रांग वाला पोर्शन है उसको और मजबूत करने की कोशिश करता, तो मुझे क्रोध कम आता था। मैं सोचा एक काम करो, इसको पूरे का पूरा नेस्तो नाबूद करो। तो क्रोध करना, झुझलाना, चिढ़ना, किसी के ऊपर नाराज हो जाना, ये सारी चीज़ें मुझे कम थी, मैंने इसको जीरो किया। द पॉइंट इज कि आप यदि डिसाइड कर लें, यदि आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये चीज़ करनी है, जैसे बहुत सारे लोगों को नशा होता है अलग अलग तरह की, और आप डिसाइड करते हो और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी नज़रों में स्वयं को ही गिरता हुआ पाएंगे। तो क्यों ना करने के बाद उसके ऊपर हम अडिग हो, क्यों ना एक बार कन्विक्शन पे पहुंच जाएं, चंद्र टले सूरज टले टले जगत व्यवहार पर दृढ़, किसका है, महाराजा दशरथ का, राइट, चंद्र टले सूरज टले टले जगत व्यवहार पर एक बार वचन हरिश रघु रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, यस, तो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन, इस तरह का एक बार कन्विक्शन हम बिल्ड कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आ सकता है। अब समस्याओं का समाधान कैसे आता हूँ, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बात को आगे ले जाता हूँ। एक इंडियन कपल अपने बच्चे के साथ जापान गया, वहाँ पर एक गार्डन में बैठे हुए थे और उनका बच्चा प्लास्टिक के प्लेन से खेल रहा था, वो प्लेन गलती से एक जापानी बच्चे को लग गया और जापानी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था। जापानी बच्चे को ब्लीडिंग होने लगी, जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे। अब इंडियन कपल टेंशन में कि अब तो लगता है जेल में जाना पक्का है, क्योंकि हम भारतीयों की सोच यही है कि बच्चे को चोट लगी है मतलब अब आगे का कांड होना पक्का है। अब जापानी जो कपल में से जो मेल था ही केम फॉरवर्ड और इंडियन बच्चे को उसने प्लेन उड़ाना सिखाना शुरू किया। पे अटेंशन हियर प्लीज,
जब इंडियन बच्चे को उसने प्लेन उड़ाना सिखाना शुरू किया, उसने 10 मिनट तक सिखाया कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है, एंड देन वेंट बैक। इंडियन कपल टेंशन में आया, सिखाया, चला गया, कुछ ना बोला ना कुछ सुनाया, मतलब जितनी भी बाकी जो भाषाएं जो स्कूलों में सिखाई नहीं जाती उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इंडियन जो मेल था उसके अंदर एक कर्टसी जगी, एक फीलिंग आई और वो जापानी कपल के पास गया एंड स्टार्टेड वी अपोलोजाइज वी सॉरी एंड जो भी हमको चित्र विचित्र अंग्रेजी आती है, देन कोशिश की भाई साहब ने, देन जापानी फीमेल बोली नो 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 देयर इज नो प्रॉब्लम, ही टॉट हाउ टू प्ले विद द प्लेन, नाउ योर चाइल्ड नो हाउ टू प्ले विद द प्लेन। इंडियन कपल को डाइजेस्ट नहीं हुई पूरी की पूरी इंसिडेंट्स। नेक्स्ट जो इंडियन मेल है जिस काम के लिए जापान गया था तो अपने ऑफिस में गया, वहाँ पे एक जापानी काउंटर पार्ट से इसने पूछा कि ऐसा एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ ना, आई अनेबल टू डाइजेस्ट इट हाउ इट हैपेंस। हमारा इंडियन होता तो दो चार झीका झीकी लाफा लाफी एंड शब्दों का आदान प्रदान ऐसी सब चीज़ें हुई होती, दो चार और लोग लाल हुए होते अलग अलग जगह पे। देन जापानी सेड कि जब 1905 में पहली बार हमने रसिया को हराया, 1905 में वी डिफीटेड रसिया, आफ्टर दैट वी डिफीटेड कोरिया, वी डिफीटेड वियतनाम, वी कंक्वर्ड चाइना इन 1934, हमने पूरे का पूरा ये जीता, हमने पर्ल हार्बर तबाह किया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लड़े, हम न्यूजीलैंड से लड़े, हम आसपास में कितनों से लड़े और सबको हराया, लेकिन 6 और 9 अगस्त 1945 नागासाकी हिरोशिमा अटैक के बाद वी जापानीज रियलाइज्ड युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, समस्या का समाधान समस्या के रूट में जाना है। तो समस्या यह थी कि आपके बच्चे को प्लेन उड़ाना नहीं आता, समस्या यह थी कि आपके बच्चे को प्लेन उड़ाना नहीं आता, और उस समस्या का समाधान यह है कि उस बच्चे को अगर प्लेन उड़ाना सिखा दिया जाए तो भविष्य में उसे गलती नहीं होगी। एंड देयरफॉर ही केम फॉरवर्ड एंड टॉट हाउ टू प्ले विद द। हमारी भी समस्याएं अधिकतर ऐसी हैं, हम कभी भी समस्याओं के रूट में जाने का प्रयत्न नहीं करते, हम उसके सरफेस लेवल पे उसकी डंडी कैसे अदरक पी करके सर्दी भगा दिया जाए, हम ये नहीं देखेंगे इम्यून कैसे बढ़ाया जाए, हमको ये लगता है चाय पी लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, डिस्पिन खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो खा लेते हैं, प्रोटीन खा लेते हैं, बस बस कॉम्बी फ्लेम खा करके हम खुश। द पॉइंट इज वी नीड टू गो ऑन द बेसिक्स, एंड यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम पाप को प्राप्त होगे, तुम्हारी जो भी कृति है आज तक जगत में वो सारी कृति समाप्त हो जाएगी। आगे अकृति चापि भूतानि कतिष्यन्ति तेवव्ययाम् संभवावितस्य चाकृति मरणादित्यते, तथा वह सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। जैसा मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि एक बहुत बड़े 5-स्टार होटल में एक टाइल्स लगाना बंदा भूल गया था, और जो भी आदमी आता वो पूरे होटल को देख करके मंत्रमुग्ध होकर के आभास होकर के खूब प्रशंसा करता, लेकिन लास्ट में वो एक टाइल्स लगाना जो भूल गया था वो जरूर उसका जिक्र करता कि आपने टाइल्स लगाना भूल गए। इसी तरह से व्यक्तित्व भी होता है, आप चाहे जगत में जितने भी बड़े बड़े काम कर लें, जितना भी महान काम कर लें, अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो चंद्रमा में दाग सबको दिखता, चाहे भले धरती से हम बैठ करके चंद्रमा को देखते वहां पहुंच हम कभी नहीं सकते, लेकिन दाग हमको दिख जरूर जाता। और ये मनुष्य का बेसिक नेचर है, इसीलिए हम लोग जब छोटे थे तो हमको काला धब्बा लगाया जाता था, क्योंकि मनुष्यों का नेचर ही है, चाहे चेहरा आपका जितना भी भगवान कामदेव की तरफ खूबसूरत क्यों ना हो, पर वो काला छोटा सा जो धब्बा है वो आपको नजर लगने से बचा लेता है। द पॉइंट इज रिवर्स है, अगर आप जितने भी बड़ा काम कर लिए, जितना भी महान काम कर लीजिए, लेकिन अगर एक छोटी सी भी गलती आपसे हो गई, देन यू आर गोइंग टू बी नोन फॉर दैट मिस्टेक फॉर एवर। इसीलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गलतियां करने के अधिकार आपके कम होते चले जाते हैं, आप जितने ऊपर के प्रोफाइल पे जाते हैं उतना ही आपके पास गलती करने की प्रोविजंस कम हो जाते हैं। सो हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा कहा जाता है
कि ऊपर पे प्रोफाइल पे जाने के लिए क्वालिटीज तो आपको बढ़ानी है, पर उससे ज्यादा आपको बढ़ाना है गलतियां न करने की प्रैक्टिसेस। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अब कोई ऐसी गलती नहीं रह गई जिसके नाते ऑर्गेनाइजेशन या मेरा कुल या मेरा समाज या मेरा राष्ट्र बदनाम हो सकता है, तो आप ऊपर के प्रोफाइल को लीजिए। और आपको लगता है कि अभी भी कोई बड़ी सीरियस कमजोरी मेरे अंदर है, तो आप उस प्रोफाइल को परित्याग करें, दैट इज मच बेटर, राइट। मुझे याद है जब मैं एक बार कॉलेज में नई मुझे नौकरी मिली, तो जैकी श्रॉफ एक लंबा सा कोट ओवर कोट पहनते थे, तो मैंने आर्मी कैंटीन से ख़रीदा था, मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता। फिर बाइक पे ओवर कोट पहन के और मैं कॉलेज से निकला, उसी समय मैंने कोई लेटेस्ट मूवी देखी थी और मैंने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया था, पहली बार धूम्रपान करने की मेरी इच्छा जागृत हुई। तो कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा दुकान था हाईवे के किनारे, जहाँ पे आसपास में कोई दुकानें नहीं थी। मैंने पहली बार सिगरेट खरीदा, मुँह में रखा, उसको जलाने की कोशिश किया, 3 कोशिश मेरी बेकार गई, मैं जला नहीं पाया। तब तक एक बच्चा आया, उसने जलाया और उसको मुझे बोलता है, सर आपको ये शोभा नहीं देता है। फॉर मी इट वॉज स्टनिंग, क्योंकि उस एरिया में मैं हर दिन 2 ही महीने से भी पढ़ा रहा था और वो जो दुकान थी वो उस कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। मैं उस बच्चे को नहीं जानता था, वो मुझे जानता था कि नहीं जानता था मुझे आज तक मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग लेसन था। एंड दैट वॉज द डे अनटिल डेट आई नेवर ट्राइड अगेन एनी अदर एडिक्शन। द पॉइंट इज इट्स अ मैसेज गिवन बाई डिफरेंट पीपल। सतना भगवान की कथा में जो पहला अध्याय है वो इसी पे है। 28 तारीख को हम लोग सतना भगवान की कथा यहाँ पे कर रहे हैं, विद अ न्यू इंसाइट्स, न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू वे। इसमें जो पहली कहानी है, एक वृद्ध ब्राह्मण है जो दरिद्र है, मतलब दरिद्र इन द सेंस कि उनके सारे अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। ही इज अनेबल टू अर्न मनी, ही इज अनेबल टू फाइंड आउट लाइवलीहुड। और उनको अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण मिल जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आप सतना भगवान की कथा सुनिए, व्रत करिए, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। दिस इज द स्टोरी, आप सब लोगों ने सुनी है। मोरल क्या है इसका? द मोरल इज, जब आप कभी विकट परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, आप कभी अगर ऐसी सारे अटेम्प्ट करके आपको लगता है मेरे पास कोई सलूशन नहीं रह गया है, किसी एक्सपीरियंस्ड वयोवृद्ध व्यक्ति के पास आप जाइए, आपको सलूशन मिलेगा। और जो सलूशन मिलता है उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए, आप सफल होंगे। हमारे से समस्या ये है कि जब हम फंस जाते हैं तो हम उन लोगों से एडवाइस लेते हैं जिनका अपने जीवन में कोई अनुभव ही नहीं है। हमने बॉलीवुड में देखा है कि अधिकतर हीरो जॉनी लीवर टाइप कॉमेडियंस के साथ घूमते रहते हैं, तो हमारे आसपास भी 2-3 कॉमेडियन होते हैं, हम उन्हीं से सजेशन लेते हैं क्या करूं। तब उसकी बुद्धि तो हमसे भी कम विकसित हुई है, तो वो अपने हिसाब से हमको बताता है, चल अपने मूवी जो आए जो ही आइए, एले फ्रेश थी जैसू। जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है वो दूसरे के जीवन की कहानी देख करके फ्रेश कैसे हो सकता है? आपकी समस्या आपके जीवन की आपकी है, तो आपको अपने जीवन का अवलोकन और परीक्षण करने से आप सफल होंगे, न कि दूसरे के जीवन के अवलोकन और परीक्षण करने से सफल होंगे। द पॉइंट इज यू नीड टू गो टू, इसीलिए आप देखिएगा जो पुराने राजा महाराजा होते थे वो हमेशा सीनियर्स को अपने मंत्रालय में रखते थे, जो एजेड लोग होते थे उनको अपने आसपास रखते थे। इसलिए हम ज्वाइंट फैमिली में विश्वास करते थे, नाना नानी दादा दादी परदादा परदादी, उन लोगों को हम बच्चों के करीब रखते थे, क्योंकि बच्चों के पूरे विकास के लिए ग्रैंड पेरेंट्स का आसपास में होना बहुत जरूरी है। पर वेस्टर्न कल्चर में आकर के हमने उनको अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में, फिर उनको घर से दूर, उनको एक कमरे में कन्फाइन करना, ये अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने शुरू किया। और इसका आउटकम है कि आज भारत का जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो सिटी देता है दैट इज़ बेंगलोर, सबसे ज़्यादा सुसाइड भी यूथ वहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा सिम्पटम सुसाइड के वहीं पे, क्योंकि हमारे यूथ को आपने IQ तो डेवलप किया लेकिन EQ डेवलप नहीं हुआ। और EQ कौन डेवलप करता? ग्रैंड पेरेंट्स। हम ग्रैंड पेरेंट्स से उनको दूर रखते हैं। माई कंसर्न इज वेरी सिंपल एंड दैट इज जितना हो सके उतना अपने आसपास में वयोवृद्ध लोगों के साथ हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन आधा घंटा 2 घंटा बैठिए। वयोवृद्ध का मतलब ये नहीं होता जो 70 क्रॉस हो गए वही, आप अगर 30 के हैं, कोई 45-50 का है तो वो भी वृद्ध है,
आप 45-50 के हैं, कोई 67-65-70 का है वो भी है, आपके परिवार में नहीं है, आपकी सोसाइटी में कोई होगा, उनके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज है, वो ले करके चले जाएंगे, हम लेते ही नहीं उनसे, राइट? सो लेट्स मूव फादर, लास्ट श्लोक ऑफ द डे। भयाद्राणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा एषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। कम्युनिकेशन में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कहा जाता है आप क्या कहना चाहते थे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने वाले ने क्या समझा। सो द पर्सन हु सेंड्स मैसेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज बीन रिसीव्ड। रिसीवर क्या सोचता है समझता है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ दिक्कत ये है, हम हमेशा इस पे रहते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीवर उसको क्या समझता है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब हे अर्जुन, तुम क्या सोच करके युद्ध छोड़ोगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है तुम युद्ध छोड़ दोगे उसके बाद लोग उसको क्या इंटरप्रीट करेंगे, एंड दैट विल डिफाइन हु वाज अर्जुन। मेनी टाइम्स वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन आवर टंग, हम अपने जबान पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब शब्दों का उपयोग हम खूब करते हैं और हमको लगता है कि मेरी जबान, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमको मूल अधिकार मिला हुआ, हमारे पास राइट्स हैं, आई कैन स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पर आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता होना चाहिए था, अब महाभियोग लगेगा, राइट? अब पूरी दुनिया उनके ऊपर जो 5 साल का क्या अचीवमेंट है वो तो एक अलग रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन जो गलती से थोड़ा बहुत है भी वो अगले 5 साल में ध्वस्त हो जाएगा, सही है गलत? आपके कुछ ट्वीट करने के नाते अब आप कहाँ पे खड़े होंगे अब मालूम नहीं है, चाहे अनुराग कश्यप हो चाहे कोई भी हो। द पॉइंट इज, एक बार आपने लिख दिया कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है। माय रिक्वेस्ट इज कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों पे, अपने जबान पे खूब सारा, आप एक बार ना बोलिए तो चलेगा, चुप रहने के 7 से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, पर बोलने के हार्डली 1 या 2 बेनिफिट हैं। सो मैनी टाइम्स साइलेंस कम्युनिकेट बेटर मीनिंग इन कंपेरिजन टू वर्ड्स, बट वी पर्सनली डू बिलीव, नहीं 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 बोलते बहुत बार, तो कोई अगर मिल गया तो हमको ऐसा लगता है उसका कान डस्टबिन है, जितना मुझे आता सब उसके कान में मैं डाल दूँ। बगल वाले का कान उसका पर्सनल एसेट है, आपका डस्टबिन तो आप उतना ही उसके कान में डालिए जितना उसके लिए आवश्यक है, बाकी उसके कान में डालने की आवश्यकता नहीं है। एक राजा साहब, उनको अचानक एक इच्छा हुई, मैं जानूं सत्य क्या है, तो उन्होंने अपने मंत्री को टास्क दिया कि मुझे बताओ सत्य क्या है। मंत्री बोला कि ठीक है, किसी दिन अच्छा मुहूर्त रहेगा तो आपको बताऊंगा। एक दिन राजा साहब दरबार में आए और देखा दरबार में बड़ा सा हाथी खड़ा है, राजा टेंशन में। राजा बोले ये क्या? बोले नहीं, आपको सत्य की शोध थी तो आज सत्य का जवाब आपको मिलेगा। राजा साहब अपने बैठ गए, उसके बाद वहाँ पे 7-8 जो है सूरदास जी लोग बुलाए गए थे, एक एक करके सूरदास जी लोगों को बुलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे सामने एक हाथी खड़ा है, तुमको एक बार छू लो। तो एक सूरदास जी को हाथ में टांग आई, एक के हाथ में पूँछ आई, एक के हाथ में कान आया, एक हाथ में पेट आया, एक सबके हिस्से में एक एक चीज़ आई, सूरदास जी लोग छूए, वापस जाके बैठ गए। फिर मंत्री ने कहा, राजन अब आप सुनिए सत्य क्या है। फिर पहले सूरदास को बुलाया और मंत्री ने बताओ हाथी कैसा होता है, और सूरदास जी बोले हाथी केले के पेड़ जैसा होता है, क्योंकि उनके हाथ में टांगे आ गई थी। दूसरे से पूछा गया, बताइए सूरदास जी हाथी कैसा होता है, तो सूरदास जी बोले हाथी जो है नगाड़े जैसा होता है, क्योंकि उसके हाथ में सूंड आ गई थी। तीसरे से पूछा गया हाथी कैसा होता है, उसने बोला हाथी झाड़ू जैसा होता है, उसके हाथ में पूंछ आ गई। किसी ने बोला हाथी जो है केले के पत्ते जैसा होता है, किसी ने बोला नगाड़े जैसा होता है, सबने अपने अपने हिसाब से बताया। हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग है, इसीलिए अगर आपको सत्य तक पहुंचना है तो रीडिंग करनी पड़ेगी,
और भगवत गीता हमको एक 360 डिग्री थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए उपयोगी है। मुझे पूरा विश्वास आप लोगों का अधिकतर के पास भगवत गीता है। आप लोग समय निकाल के, जरूरी नहीं कि सिर्फ शनिवार को ही पढ़ें, आप लोग बाकी दिन भी पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने 18 तारीख को एक यज्ञ रखा है बीबीए बिल्डिंग में सुबह 9 बजे, और 28 तारीख को सतना भगवान की कथा रखी है विद अ वेरी डिफरेंट इंसाइट्स। पहली बार ऐसा होगा कि सतना भगवान की कथा सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस कथा को हमको हर महीने करना चाहिए, शाम को 3 बजे। तो हम मिलते हैं अगले शनिवार को, और 28 तारीख को तो जरूर मिलेंगे। फाइन, धन्यवाद।